Hello dear students, so successfully we have completed our first chapter of science 2, that is heredity and evolution. I hope you all have understood the videos very well. Even I have given you the PDF of notes. You must be completing it day to day regularly, whatever topics have been taught. Okay, even if you don't understand any topic, see the video twice or thrice again and again to understand it better. Even though if you don't understand, don't worry. When actual classes will start in the classroom, again we are going to repeat all these topics. Okay, so let us start with the second chapter of science 2, that is life processes in living organisms, part 1. Kyunki third chapter same yahi naam hai, life processes in living organisms part 2. Samajh mein? Actually ye jo chapter hai humne 9th mein hi start kiya tha, life processes. Do you remember? Humne human excretory system padha, हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा, एक्सटर्नरी सिस्टम में हमने किडनी पढ़ा. आर यू गेटिंग दैट? ये जो चैप्टर है ना, ये कंटिन्यू चैप्टर है. मतलब 9th में हमने दो बॉडी सिस्टम्स पढ़े, 10th में हम और दो बॉडी सिस्टम्स पढ़ने वाले, ये चैप्टर में एक और अगले चैप्टर में, 11th में, 12th में. आर यू गेटिंग दैट? मतलब ये जो लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर है, ये ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स के ऊपर है कि कौन से बॉडी सिस्टम के कौन सा ऑर्गन कैसा फंक्शन करता है. ओके, सो अगेन मैंने 9th में जितने भी बच्चे हमारे क्लासेस में थे, जब हमने ये चैप्टर किया, मैंने 9th में ही ये डेफिनेशन पढ़ाया है. व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? यस, कम ऑन, कैन यू टेल मी? जिसको आ रहा है, जस्ट ट्राई टू आंसर इट एंड वेरी गुड इफ यू नो द आंसर. बट व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? द प्रोसेसेस विच आर कॉमन to all living things and are necessary for maintenance of life. Are called, यहाँ पे डॉट डॉट तुमको नहीं देना, are called life processes. मतलब क्या? Let us see example, then you'll understand the definition. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डेफिनेशन, सॉरी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखा है, वो है ग्रोथ. ऑल द लिविंग थिंग्स, फिर वो यूनिसेल्युलर अमीबा हो या मल्टी सेल्युलर ह्यूमन हो, एलिफेंट हो, कोई भी हो, एवरी लिविंग थिंग शोज ग्रोथ. सिंपल है, जब हम भी पैदा होते हैं, वी आर जस्ट स्मॉल बेबी. उतने ही हो क्या आज भी? नहीं, हाइट में, मास में, वेट में, अकल में बढ़ रहे हो ना, सो दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ. ग्रोथ नहीं हुआ तो क्या होगा? वी कांट सर्वाइव. आर यू गेटिंग दैट? बिल्ट है. सिंपल एग्जाम है, कोई कट लग गया बॉडी पे, नोइंगली अनोइंगली एक्सीडेंटली कट लग गया, वहां पे भी वापस सेल ग्रो होते हैं और वो कट रिपेयर हो जाता है, जख्म भर जाता है. नहीं हुआ तो क्या होगा? बॉडी पे ऐसे ही जख्म हुए होंगे, कट्स रहेंगे, बैक्टीरिया अंदर जाएंगे, वायरस अंदर जाएंगे, ग्रोथ होगा, पस होगा. बिल्डा है, यू गेटिंग दैट? सो ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड इट इज शोन बाय ऑल लिविंग थिंग्स. फिर वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर, छोटे से छोटा एनिमल हो या बड़े से बड़ा एनिमल हो या प्लांट हो, सभी लोग ये लाइफ प्रोसेसेस करते. सेकेंड हमने लास्ट ईयर जो पढ़ा था, एक्सक्रीशन, ये लाइफ प्रोसेस. व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटीरियल्स, वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम द बॉडी. व्हाट इफ हमारी बॉडी में पॉइजनस मटीरियल जा रहे हैं, वो वैसे ही अक्यूमुलेट, अब हम पागल नहीं जो पॉइजन भी है, बट इनडायरेक्टली, जैसे कि एयर पोल्यूशन से हार्मफुल केमिकल गैसेस गो इन आवर बॉडी, फिर वो ब्लड में अब्सॉर्ब होते हैं, ब्लड फिर किडनी के पास जाता है, किडनी में जाके वो हार्मफुल मटेरियल फिल्टर होते हैं एंड हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी उसको बाहर फेंकती है. इज इट नेसेसरी? वरना हम मर जाएंगे वापस, वी कैन नॉट मेंटेन आवर लाइफ ऑन अर्थ. समझे? नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन. व्हाट इज रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड? नो, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेना, CO2 बाहर फेंकना, ये सिर्फ एक स्टेप है. रेस्पिरेशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द बॉडी. कैसे? इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन, यही लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं. समझे? नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस वी हैव स्टडीड दैट रिप्रोडक्शन, गिविंग बर्थ टू न्यू ऑर्गेनिज्म. तो ये जितने भी लाइफ प्रोसेस है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, सो दे आर कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स एंड आर नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ. नाउ यू विल से रिप्रोडक्शन नहीं किया तो थोड़ी ना मरते. नहीं, हम नहीं मरेंगे. जैसे कि ब्रीदिंग नहीं किया, स्टॉप करो फॉर 10 मिनट्स, डोंट डू दैट, विल डाई. आर यू गेटिंग दैट? इफ आवर किडनीज विल फेल, हमने पढ़ा है किडनी फेलियर, फिर आर्टिफिशियल डायलिसिस करना पड़ता है ब्लड.
So all these life processes, if we will not perform, we will die. But if we will not perform reproduction, we will not die. What is reproduction? Giving birth to new organism. नहीं किया तो मरेंगे नहीं, लेकिन हमारी स्पीशीज मर जाएगी. स्पीशीज मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स, राइट? सिमिलर एनिमल्स. जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल, सारे ह्यूमंस ने डिसाइड किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे ह्यूमन ने डिसाइड किया रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, विल नॉट गिव बर्थ टू न्यू चाइल्ड. व्हाट विल हैपन? कभी ना कभी जो ह्यूमंस अभी एग्जिस्टिंग है दे विल डाई, मींस अल्टीमेटली ह्यूमन स्पीशीज विल डाई. समझे? सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज लाइफ प्रोसेस. द प्रोसेसेस व्हिच आर कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स एंड आर नेसेसरी for the maintenance of life are called as life processes. These are some of the examples. जैसे मैंने बोला ये chapter में हम पहला कौन सा life process पढ़ने वाले हैं? Correct. Respiration. उसके बाद second life process हम पढ़ने वाले हैं growth. Growth is also known as cell division. देखो एक single cell है, वो divide होता है many times, फिर उससे बनता है group of cells that is tissue. Tissue से फिर बनता है organ. Organ से मिलता है ऑर्गेन सिस्टम एंड फिर बनता है ऑर्गेनिज्म. मींस अंटिल एंड अनलेस द सेल विल डिवाइड द ग्रोथ विल नॉट टेक प्लेस. तो ये चैप्टर में हम दो लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं, पहला रेस्पिरेशन एंड दूसरा सेल डिवीजन. सो शुड वी स्टार्ट स्टूडेंट्स? ओके. सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द 10th स्टैंडर्ड चैप्टर दैट इज रेस्पिरेशन. सो if I ask you the question what is respiration, many students will give the answer breathing, that is exchange of gases, taking in oxygen and giving out carbon dioxide. Your answer is half correct, not complete. Breathing is a part of respiration. Again I will tell you, breathing is a part of respiration. Exactly respiration means what? I'm writing definition here. Respiration, the process of release of energy from assimilated food is called respiration. Are you getting me? The process of release of energy from assimilated food. अब assimilated food मतलब क्या? Very simple I tell. When we eat the food, it first gets digested with the help of our digestive system. Food completely digest होता है हमारे small intestine. Food digest होता है मतलब क्या? हम खाते हैं चपाती, means हम खाते हैं गेहूं, wheat. लेकिन वो wheat के अंदर होते हैं carbohydrates, sugar. Wheat के अंदर जो sugar है वो complex है. Complex है मतलब हमारी body, मतलब हमारा blood उसको directly absorb नहीं कर सकता. तो वीट में जो शुगर है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम होता है स्टार्च. वीट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट? कार्बन मीन शुगर. वीट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? स्टार्च. हमारा ब्लड डायरेक्टली स्टार्च अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए हमारे बॉडी में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स है, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, कुछ ग्लैंड्स है जैसे कि लीवर, पैंक्रियास. ये सारे ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स मिलके कुछ लिक्विड सिक्रीट करते हैं जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस. ये जो डाइजेस्टिव जूस है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं. कॉम्प्लेक्स शुगर क्या है वीट के अंदर? स्टार्च, जो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन हमारे ऑर्गन उसको डाइजेस्ट करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को, और उसको सिंपल शुगर मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं. किसमें कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज. अब हमारा ब्लड उसको इजिली एब्जॉर्ब कर लेता. अब बोलो फूड डाइजेस्ट हो गया, मतलब स्टार्च हैज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैज कन्वर्टेड इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट. समझे? अब जैसे ही ग्लूकोज ब्लड ने एब्जॉर्ब किया, ब्लड के अपने पास रखता है? नहीं. ब्लड, ये जितना भी ग्लूकोज ब्लड में आ रहा है, ब्लड उसको सारे बॉडी सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है. समझे? अब यहाँ पे देखो, सपोज ये है बॉडी सेल. बॉडी सेल पता है ना, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, रिमोट का सेल नहीं. ओके, दी सेल, जिसमें मेन स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस. सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अलावा अदर सेल ऑर्गेनाइज भी होते हैं. 8th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक में पढ़ा है हमने सेल ऑर्गेनाइज. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर ये है वैक्यूल, एंड सपोज ये है माइटोकॉन्ड्रिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के. कौन सा सेल ऑर्गन है? माइटोकॉन्ड्रिया. देखो अभी यहाँ पे क्या होता है. ये है बॉडी सेल और ये है ब्लड वेसल, जैसे कि आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं हमारे बॉडी में जो ब्लड सप्लाई करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को.
अब यहां से आ रहा है ब्लड, इसके अंदर क्या है ब्लड, ये ब्लड में क्या है जो शुगर एब्जॉर्ब किया है, जहां पे फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। अब ये ग्लूकोज किधर गया, थोड़ा ही आउट बने, ये ग्लूकोज किधर गया सेल के अंदर, जब फूड, फूड कौन सा वाला खाते वो या डाइजेस्ट हुआ है वो, करेक्ट, ये डाइजेस्ट हो चुका हुआ फूड, ये डाइजेस्टेड फूड जब सेल में आता है फिर ये फूड को बोलते हैं एसिमिलेटेड फूड, दैट्स इट। सो द फूड आफ्टर डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ ब्लड व्हेन इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल दैट फूड इज कॉल्ड एसिमिलेटेड फूड। अब सेल ये एसिमिलेटेड फूड मतलब ये ग्लूकोज को यूज करके क्या प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है कैसे, वो देखो ये वाला जो सेल का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, बोलो सेल के अंदर ये जो फ्लूड होता है ऑर्गेनेल्स के अलावा ये फ्लूड है इसको क्या बोलते हैं, करेक्ट, साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब जैसे ही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आया, सबसे पहला सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं एंड इसको कन्वर्ट करते हैं पाइरूविक एसिड में, किसमें कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट, पाइरूविक एसिड। सो ग्लूकोज व्हेन कन्वर्ट्स इनटू पाइरूविक एसिड ये प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्या बोलते हैं ये प्रोसेस को, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मींस ग्लूकोज, लाइसिस मींस ब्रेकिंग, एक ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो उससे दो पाइरूविक एसिड बनते हैं, यहां तक समझे, फिर ये पाइरूविक एसिड वापस कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए नाम के दूसरे के, देखो पहला कौन आया सेल में, ग्लूकोज, फिर वो कन्वर्ट हो गया पाइरूविक एसिड में, वो प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, फिर पाइरूविक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए एंड जैसे ही एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया इट टेक्स एंट्री इनटू, कहां पे गया एसिटिल कोएंजाइम ए, करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में गया एक और चीज बताया रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग, जो मैंने बोला स्टार्टिंग ब्रीदिंग हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, कैसे, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बोलो इनहेलेशन में हम अंदर क्या लेते हैं, करेक्ट, एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन, हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, यहाँ पे क्या फिल्टर नहीं है जो एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेता, पूरी की पूरी एयर अंदर जाती है फिर हमारे लंग्स में, एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है, समझो। तो यहाँ पे ये जो ब्लड है ये ग्लूकोज के साथ साथ और किसको कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन, तो सेल के साइटोप्लाज्म में कौन आ गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये प्रोसेस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन डायरेक्ट एंट्री लेता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन दो गए, एक तो गया एसिटिल कोएंजाइम है और दूसरा गया ऑक्सीजन, जैसे ही एसिटिल कोएंजाइम है एंड ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिलीज्ड, एनर्जी तैयार हो गई, आर गेटिंग दैट, सो इज द रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम एसिमिलेटेड फूड, गॉट दैट। तो अब ये जो रेस्पिरेशन है ये जो पहला स्टेप मैंने बताया कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूविक एसिड एंड पाइरूविक एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस पहला पॉइंट। सेकेंड जैसे ही एसिटिल कोएंजाइम अंदर गया इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज्ड यहाँ पे टोटल 9 केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल कितने केमिकल रिएक्शन होते हैं अंदर 9 जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। अब जब ये 9 केमिकल रिएक्शन होते हैं तो यहाँ पे दो केमिकल्स तैयार होते हैं NADH2 एंड FADH2 ये सब और डिटेल में हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले एंड देन थर्ड प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो क्रेब्स साइकिल के लिए क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए जिससे क्या प्रोड्यूस होता है NADH2 एंड FADH2। फिर जो थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में ये जो NADH2 एंड FADH2 है इनमें से प्रोड्यूस होती है एनर्जी एंड जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है देखो हम बहुत सारा खाना एट अ टाइम खाते हैं मतलब बहुत सारा ग्लूकोज हमारे सेल में एट अ टाइम जा रहा है मींस बहुत सारा एनर्जी एट अ टाइम प्रोड्यूस होती है लेकिन सारा का सारा एनर्जी हम एक ही टाइम में यूज करते हैं नहीं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने सुबह 9 बजे नाश्ता किया दोपहर को 2 बजे तक हम बिना कुछ खाए रह सकते मतलब सुबह 9 बजे के हुए नाश्ते में से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई कि जो 2 बजे तक हमको एनर्जाइज रख सकते समझे फिर 2 बजे वापस भूख लगना शुरू होता क्योंकि अभी एनर्जी सुबह के नाश्ते से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो खत्म हो जाए वापस 2 बजे खाना खाते
रात के 8 बजे तक वापस हम वो एनर्जी पे जिंदा रहे, समझ में आ रहा है। तो एट अ टाइम सारी एनर्जी हम यूज करते क्या नहीं, हम स्लोली स्लोली एनर्जी यूज करते। तो जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एक केमिकल फॉर्मूला में स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड एटीपी। किसके फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर होती है? एटीपी, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। सब ये NADH2, FADH3 सबका फॉर्म फुल फॉर्म सब में देने वाली हूँ, अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे। तो देखो प्रोड्यूस क्या हुई अल्टीमेटली, एटीपी मॉलिक्यूल जिसके अंदर कौन छुपा हुआ है? एनर्जी। सो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन ये एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए कौन सी दो चीजें रिक्वायर्ड है? करेक्ट, पहला ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। यानी एनर्जी प्रोडक्शन कितने स्टेप्स में हो रहा है? 3 स्टेप्स में। पहला ग्लाइकोलाइसिस हुआ, फिर क्रेम्स साइकिल हुआ, एंड फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो ये जितना भी रेस्पिरेशन यहाँ पे हुआ, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ, वो किसके प्रेजेंस में हुआ? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्योंकि किसके अंदर हो रहा है ये सारा प्रोसेस? सेल के अंदर, समझे। तो सेकेंड टाइप अंडर रेस्पिरेशन इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सेकेंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो मैंने अभी बताया वो है पहला टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम एसिमिलेटेड फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो हुई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। बोलो हम ह्यूमंस यही वाला रेस्पिरेशन परफॉर्म करते। हम ब्रीदिंग क्यों करते? ताकि बॉडी में ऑक्सीजन जाए, फिर वो ऑक्सीजन सेल में जाए, ऑक्सीजन सेल में जाने के बाद क्रेब्स साइकिल हो, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन और फिर एनर्जी प्रोड्यूस हो, समझे। सो एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम एसिमिलेटेड फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। पॉइंट नंबर 1 समझे। पॉइंट नंबर 2 इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एंड मींस एब्सेंस। सो अगेन द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम एसिमिलेटेड फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब देर आर सम लिविंग थिंग्स जो बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम फूड ओनली। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ फूड, मतलब सिर्फ ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी चाहिए। लेट मी टेल यू एग्जांपल, यीस्ट सेल, फंगस, बेकरी प्रोडक्ट बनते हैं ना पाव, केक, उसमें थोड़ा वो यीस्ट पाउडर डालते हैं। वो जो यीस्ट सेल है, सबसे पहला ये सपोज यीस्ट का सेल है, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ना बडिंग वाला सेल यीस्ट का। यीस्ट के सेल में भी कौन आया? ग्लूकोज आया। पहला स्टेप कॉमन है, फिर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, क्या बोलते हैं वो प्रोसेस को? ग्लाइकोलाइसिस। जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर आया, ये न्यूक्लियस, ओके, ग्लूकोज सेल के अंदर आया, वो ब्रेक डाउन हो गया, कन्वर्ट हो गया पाइरुविक एसिड में, शॉर्ट में। एंड फिर ये पाइरुविक एसिड आगे एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता, इधर ऑक्सीजन नहीं लगता क्योंकि यीस्ट सेल्स डज नॉट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। डायरेक्टली पाइरुविक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है, डायरेक्टली पाइरुविक एसिड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एंड ऑक्सीजन यूज ना होने की वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस होता है इथेनॉल। क्या प्रोड्यूस होता है? इथेनॉल, मतलब अल्कोहल, राइट। इसलिए ये प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, समझे। तो यहाँ पे भी एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आर यू गेटिंग दैट? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, समझे। एरोबिक, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एसिमिलेटेड फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एसिमिलेटेड फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओके, सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इधर भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इधर भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। Hence, in aerobic respiration, the energy produced is always more, and in anaerobic respiration, the energy produced is less. Let me tell you, aerobic respiration में एक ग्लूकोज से
38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन जाए। मैंने बोला एटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मतलब इतनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है एक ग्लूकोज, लेकिन एनएरोबिक में सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। आर यू गेटिंग मी? सिर्फ 2 मतलब एनर्जी प्रोड्यूस इज वेरी लेस। सो हियर वी आर स्टडी डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेट अस राइट इट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर टेबल। सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एरोबिक रेस्पिरेशन एंड anaerobic respiration. First of all, what is respiration? Respiration does not mean breathing. क्योंकि there are some respiration जहाँ पे breathing की oxygen लेने की जरूरत है ही नहीं, वो वाला कौन सा respiration है? Anaerobic respiration. Correct. So there are two types of respiration. Aerobic respiration and anaerobic respiration. चलो पहला पॉइंट बताओ। Here it is the process of release of energy in presence of oxygen. मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूँ। Okay. Here it is the process of release of energy in absence of oxygen. Process means oxygen not present. Second point. Here energy produces more. That is 38 ATP from one glucose mole. Here energy produced is less. That is 2 ATP from one glucose mole. चलो थर्ड पॉइंट मैंने पढ़ाया है तुम लोगों को। एरोबिक रेस्पिरेशन कितने स्टेप्स में होता है, एनएरोबिक कितने स्टेप्स में होता है? इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स बताया था मैंने। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुविक एसिड एंड पाइरुविक एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए। दूसरा स्टेप क्रेब्स साइकिल, means conversion of acetyl coenzyme A into the two molecules of NADH2 and FADH2. Third, electron transfer chain reaction, means converting NADH2 and FADH2 into ATP molecules. ये डिटेल में पढ़ना है हमको क्या और कैसे, समझे? So aerobic respiration takes place in 3 steps, whereas anaerobic respiration takes place in only 2 steps. That is, पहला स्टेप कॉमन है ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत इधर भी नहीं होती और इधर, आगे के दो प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होता है यहाँ पे पहले स्टेप। एंड हियर सेकेंड प्रोसेस विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन डायरेक्टली पाइरिक एसिड इज कन्वर्टेड इन टू एनर्जी, दैट इज फर्मेंटेशन। आई होप यू अंडरस्टूड 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फोर्थ एंड द लास्ट वन वेरी इजी, रेस्पिरेशन मीन्स फिर वो एरोबिक होने दो या एनारोबिक होने दो, रेस्पिरेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस। लेकिन एनर्जी के साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, अनवांटेड प्रोडक्ट्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है एंड प्रोडक्ट मतलब जो हमको चाहिए, और एक होता है बाय प्रोडक्ट मतलब वो मेन प्रोडक्ट के साथ ऐसे ही प्रोड्यूस होते, समझे? सो द बाय प्रोडक्ट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर। डू वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? रेस्पिरेशन से। वी टेक इन ऑक्सीजन, फिर वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन होके एनर्जी प्रोड्यूस करता है और बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर वेपर्स दैट वी गिव आउट, दैट इज वी ब्रीद आउट। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। बाय प्रोडक्ट इज आइदर इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है यीस्ट सेल में, ओके? और हमारे मसल्स भी, नॉर्मली हमारे मसल्स एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, बट जब हम जरूरत से ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं तो मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कम पड़ जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई कम पड़ गया तो वो रेस्पिरेशन करना एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टॉप नहीं करते, वो हमारे जैसे रीजन नहीं देते लाइट नहीं तो पढ़ाई कैसे करूं। आर यू गेटिंग दैट? भले उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है देन दे स्टार्ट परफॉर्मिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन, भले ऑक्सीजन कम जा रहा है, समझे? सो व्हेन आवर मसल्स परफॉर्म, नॉट ऑलवेज, अंडर सर्टन कंडीशन ओनली आवर मसल्स व्हेन परफॉर्म एनएरोबिक एस्पिरेशन, तब वहां पे जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो है लैक्टिक एसिड। जितना ज्यादा मसल्स, देखो कभी एक्सरसाइज की आदत नहीं कुछ नहीं और अचानक से स्कूल के रनिंग रेस में पार्टिसिपेट कर लो, दौड़ रहे हो, मसल्स को आदत नहीं है डेली एक्सरसाइज की, तो मसल्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, एक्स्ट्रा काम आ गया,
एक्स्ट्रा काम आ गया तो उनके अंदर जितना ऑक्सीजन है वो यूज हो गया, अब मसल के पास ऑक्सीजन है बट मसल्स एनारोबिकली रेस्पिरेशन करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, फिर क्या प्रोड्यूस हो गया मसल्स में, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से क्रैम्प आता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड की वजह से मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, पुल होते हैं, जिसकी वजह से मसल में क्रैम्प आता है, समझे। और ये क्रैम्प ना आए या आने के बाद अगर वो रिलीफ करना है तो सिंपली जहाँ पे सपोज यहाँ पे ऐसे हाथ करते करते क्रैम्प आ गया, जेंटली मसाज करो, मसाज करने के देखो अभी भी ट्राई करो, मसाज करो, मसाज रब नहीं करो, जेंटली मसाज करोगे तो उधर हीट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उधर ब्लड सप्लाई बढ़ता है, ब्लड ज्यादा आया मतलब ब्लड के साथ ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन जैसे इधर पहुंच गया जिधर क्रैम्प आया है, ये लैक्टिक एसिड वापस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके इसमें कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो नॉर्मली प्रोड्यूस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर हमारे बॉडी सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो लैक्टिक एसिड, समझे। ओके, सो आई थिंक फॉर टुडेज लेक्चर दिस मच इज इनफ, अभी भी आई विल टेल यू, हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब ये तीन प्रोसेस और ये दो प्रोसेस हमको डिटेल में पढ़ने हैं, दैट विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।